नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चुनावी तैयारियों में भाजपा का 23,000 से ज्यादा बूथों पर फोकस, 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो रहा कोरोना, 17 दिन बाद फिर कोरोना मरीज 1,000 पार, राजधानी में एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा संक्रमित। राज्य में कोरोना टीकों की कमी आई सामने, जिलों में 4 दिन का स्टॉक बाकी, नई सप्लाई का हो रहा इंतजार। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 101 करोड़ की अनियमितता आई सामने, 10 साल से ऑडिट आपत्तियों का नहीं दिया जवाब। छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने पर मिलेगी 50% से ज्यादा सब्सिडी, आसानी से अनुमति देने के लिए होगा शुरुआत। राजधानी में फिर कंटेनमेंट जोन की आहट, अनलिमिटेड बन सकता है पहला कंटेनमेंट जोन, 10 दिन में 75 नए मामले आए सामने। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के जयसंदम स्तंभ चौक में बने सूर्य नमस्कार के पुतले को लगभग 37 लाख रुपए खर्च कर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार में लगे पुतले को सही मार्गदर्शन पर नहीं लगाए पाने, विकास होना और सौंदर्यकरण होना अच्छी बात है, लेकिन योगा को दर्शाया गया पुतला, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उल्टा सीधा दर्शाया गया है, यह अपने आप में विभाग की अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता को साबित करती है। यह देखना यह होगा कि सूर्य नमस्कार में लगे पुतले को सही मार्गदर्शन पर कब पीडब्ल्यूडी विभाग लगा पाती है। निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 37 लाख रुपए की बजट से ये सूर्य नमस्कार चौक का निर्माण किया गया है, जिसमें मूर्तियों का हेर फेर होना, आगे पीछे होना, ये एक गलत मैसेज समाज को दर्शाता है और एक बहुत बड़ी लापरवाही का लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे हम लोग बहुत बड़ी लापरवाही भी मान सकते हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी इसका उद्घाटन किया गया है और बहुत ही जोर जोर से गृह मंत्री, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सभी ने मिलकर इसका लोकार्पण किया। नेशनल कैडेट कोर की 9वीं कंपनी के अंतर्गत जिले के एनसीसी कैडेटों ने ए सर्टिफिकेट पाने के लिए गुरुवार को कोंडागांव स्थानीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में जमकर परसीना बहाया। 2 दिवसीय परीक्षा में पहले दिन ड्रिल, मैप रीडिंग सहित अन्य गतिविधियां आयोजित हुई, वहीं शुक्रवार को कैडेटों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में 50 कैडेट शामिल किए गए हैं। आज बच्चों के एनसीसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो रहा है। इस एग्ज़ाम में बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों के 79 कैडेट हैं जो पंजीकृत हैं। उनका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है जो 9CG इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जगदलपुर के अंतर्गत आता है। और आज 2 दिन का एग्ज़ाम है, तो आज इनका फिजिकल टेस्ट होगा और कल रिटर्न एग्ज़ाम होगा। खबर कोरबा से है, जहां दीप का क्षेत्र लगातार तेंदुओं के देखे जाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बीती रात दीपका खदान के उत्खनन विभाग में 2 तेंदुए के देखे जाने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात लगभग 2 बजे खदान सुरक्षा में ड्यूटी पर तैनात CISF के जवानों ने 2 तेंदुए को देखा। CISF के जवानों ने इसी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद शुक्रवार को सुबह विभागीय अधिकारी के साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तेंदुए के पैरों के निशान को देखते हुए बताया गया कि खदान में परिसर में घुस आने की पुष्टि हुई है।
कोरिया जिला के पटना में बीती रात दूसरे राज्य से अवैध अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य आने की सूचना मिलने पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार पटेल के दिशा निर्देश पर थाना पटना और थाना मनेन्द्रगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने संभावित स्थानों की नाकेबंदी कर मौके पर तैनात थी। तभी देर रात मुखबिर की सूचना पर कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत भयाथान रोड ग्राम टेंगनी चौक पर ट्रक दिखा, जिसे पुलिस ने रोका, जिसमें खाली कैरेट लोड था। पुलिस को वाहन की तलाशी के दौरान उक्त ट्रक में खाली कैरेट के नीचे छिपाकर रखी गई 47 पेटी हरियाणा प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जो हमारे कोरिया जिला के सीमा में प्रवेश करने वाली है वाहन में, ट्रक में। इसकी सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी पटना उपनिरीक्षक सौरभ और थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ उपनिरीक्षक सचिन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकेबंदी की गई। और नाकेबंदी के बाद देर रात भैयाथान की तरफ से, जो कोरिया ज़िले में प्रवेश करने वाला मार्ग है, उसमें टेंडी मोड़ के पास में एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो सब्जियों के कैरेट के नीचे में अलग अलग ब्रांड के अवैध शराब करीब 50 पेटी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आगरा की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रायगढ़ से है, जहाँ नगर निगम परिसर रायपुर में रायगढ़ के लैलुंगा क्षेत्र के प्रसिद्ध जैविक जवाफूल चावल की प्रदर्शनी को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर खरीदारी की है। किसानों ने 6 घंटे में लगभग 2.5 लाख रुपए का 1,650 किलो चावल बेच लिया। लोगों के इस उत्साह को देखते हुए यह प्रदर्शनी आज 17 मार्च को भी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बूढ़ा तालाब के पास रायपुर में जारी रहेगी। लैलुंगा क्षेत्र में उगाए जाने वाले जवाफूल चावल की महक और स्वाद प्रदेश के साथ पूरे देश में मशहूर है। दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में कई बार इनकी प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। उन्नति की ओर ले जाना है, और जैविक जवाफूल चावल यहाँ बहुत अच्छा काफ़ी वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन इसको मार्केट नहीं मिलने के कारण इसको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने FPO का गठन करके किसानों को एकाग्र किया, और हम जिला प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर महोदय के सहयोग और CEO जिला पंचायत मैडम के सहयोग से, उनको 15 लाख रुपये 5 समूह को बिना ब्याज का उनको राशि का सहयोग किया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रहे बैंक कर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया। समर्थन करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, तब से संवैधानिक व्यवस्था को चौपट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विरोध हमारे बैंक के साथ ही कर रहे हैं,
निश्चित रूप से विरोध करने का कोई उद्देश्य है और विरोध सही दिशा में है। उनका उद्देश्य कि बैंक किसी निजी हाथों में ना जाए। गांधी ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ, अगर गरीब जनता को उनका हितों का लाभ दिलाना है या बैंकों से उनको फ़ायदा पहुंचाना है तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था हमारे बैंकों का। उन्हीं राष्ट्रीयकरणों से आज हम सब जो गरीब तबके के लोग हैं आगे आ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। ऐसे में कुछ निजी लोगों के हाथ में बैंकों को सौंपना और निजीकरण करना बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों रेत माफियों ने रेत कारोबार में अपना कब्जा जमा लिया है। खनिज विभाग से सांठगांठ कर रेत माफिया रेत की कीमत में बेतहाशा वृद्धि किया हुआ है। वहीं माफिया राज पामगढ़ SDM ने रेत के अवैध भंडारण कर कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। 500 हुई डंप रेत को उन्होंने जब्त कर लिया है। पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित शिकायत किया गया था कि उनके क्षेत्र में ग्राम कुर्सी में जो रेत घाट है वहाँ से रेत का जो है अवैध रूप से जो है परिवहन किया जाता है बिना रॉयल्टी के। साथ ही ग्राम देवरी में लगभग 500 हाइवा रेत जो है डंप करके अवैध रूप से रखा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने लिखित शिकायत की हुई थी, जिसके आधार पर जो है मैंने जांच हेतु जो है मौका मुआयना किया और जाँच के दौरान जो है उनके द्वारा जो शिकायत के तथ्य थे वो सही पाए गए। हीरा तस्करी पर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि करीब 5 लाख से अधिक के हीरा के साथ एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस द्वारा MN साहू के नेतृत्व में उक्त टीम चांदनी चौक में संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी कर पूछताछ करने पर हीरा बिना दस्तावेज के पाया गया। मामले में आरोपी कन्हैयालाल रंगारी कोंडा गांव निवासी को अवैध हीरा तस्करी करते पाए जाने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। काय निकाल दिया पूरा तो खींच दे रही काय ना देख किस पास बचा है क्या गिरफ्तारी के बाद चौथा दिन में निकालेंगे ना थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से हीरा को रख कर जो है जगदलपुर में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं बेचने के लिए। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा चांदनी चौक में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी की गई और जिससे पूछताछ पर अपना नाम कन्हैया लाल रंगारी निवासी लंजोड़ा कुंडा गांव का होना बताया, जिसके पास से तलाशी लेने पर 189 नग हीरा जो है वो बरामद हुआ था, जिससे पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके में पानी की समस्या आम हो गई है। यहां लोग झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जिला मुख्यालय में नगरपालिका जनता के प्रति कार्य कर्तव्यों की तस्वीरें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यह किसी अंदरूनी इलाके की तस्वीर नहीं, जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जो ये कहने के लिए काफी है कि अंदरूनी क्षेत्र को छोड़ आज भी कांकेर नगर पालिका के उदासीनता की भरपाई लोग कर रहे हैं। नगर पालिका यह गंदा पानी लोगों को मुहैया करवा रही है। पिछले 4 दिनों से ये सिलसिला जारी है। यह पूरा मामला नगर पालिका कांकेर के अंतर्गत आने वाले बरदेढ़ा का वास्ता है। Thank you.
खबर छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने अभद्र शब्दों का प्रयोग कर जाने से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने शिक्षक एसोसिएशन के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अस्पताल परिसर ने पुलिस अधीक्षक से मामला दर्ज कराने की मांग की है। हमारे थाना अंदर में थाना प्रभारी हैं चंद्रवंशी मैडम, वो बिल्कुल भी हेल्पलेस है, एकदम शिथिल है और कोई भी कार्यवाही नहीं करती हैं। जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है हॉस्पिटल के अंदर में, तो उनको भी चेंज करने, उनका भी तबादला करके कोई एक्टिव पर्सन, एक्टिव पुलिसकर्मी को लाने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है। स्टाफ के ऊपर में चाहे वो नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, उनको ट्रैश किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है बेवजह। तो ये आने वाले टाइम में घटना ना हो, इसके लिए भी एक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाए। बस्तर में मेला हो या कोई त्यौहार, यहाँ हर आयोजन में ग्राम देवों की महत्वता रहती है। ग्राम देवों की पूजा अर्चना के बिना यहाँ कोई भी आयोजन नहीं होता है। ऐसी परंपरा के अनुसार कोंडागांव जिले के वार्षिक मेले में आसपास के 84 गांव के आम लोगों के साथ साथ उनके ग्राम देव भी शामिल हुए। नगर के बाजार मेला स्थल में मुख्य देवी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। नगर में होने वाला मेला अपने आसपास के अंचल का सबसे बड़ा मेला है। कोंडा गांव का मेला 700 साल पुरानी परंपरा के अनुसार जिले के वार्षिक मेले का आगाज हुआ है। मेले में 84 गांव की ग्राम देवी और देवताओं के बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। पूरा पालक है आज एकेडमी कोर्स स्कूल बेमेतरा में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले 6-7 साल से पढ़ रहे हैं। वहाँ 4-5 दिन पहले हमारे बच्चे के पास फोन आया कि आपका फीस नहीं कटा है और मेरे बच्चे को ग्रुप से बाहर कर दिया गया, परीक्षा ग्रुप से। उसके बाद मैं एकेडमी स्कूल की बात किया, वहाँ पर बोले कि आप राजौरिया जी से बात कर लो करके। मैं बोला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजौरिया जी से क्यों बात करूँगा, आप एक अथराइज्ड पर्सन हो। उसके बाद वो मेरे से बदतमीजी से बात किया। पालक लोग उचित समझे, अगर ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होता तो निश्चय ही हम लोग जनहित में जो है सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में भी अपना याचिका दायर करेंगे। प्राप्ति है कि जिन लोगों ने दो किस्त जमा किया है उसके बाद भी उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनका नाम उससे हटा दिया गया करके। इस शिकायत बालक संघ द्वारा जो शिकायत की गई है उसकी जांच करा के उस पर शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के ट्यूशन फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फोन कर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूरा मामला बेमेतरा जिला के एकेडमी स्कूल का है। यहां नगर का पुत्र कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है। वर्तमान समय में स्कूल द्वारा वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। इसी बीच फीस को लेकर बच्चे को एग्जाम से वंचित कर दिया गया, जिसके चलते बच्चे मानसिक रूप से आहत हो रहे हैं। बता दें, एक वर्ष से कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थान बंद है और पढ़ाई के नाम पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन फीस को लेकर मनमानी में उतर आए हैं। भाजयुमो सुकमा जिलाध्यक्ष मड़कम भीमा के नेतृत्व में सुकमा जिला के पांचों मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर पुतला फूंका। भाजपाइयों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप के अथक प्रयासों से चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में बस्तर संभोग को एक बड़ा सौगात प्राप्त हुआ है, लेकिन वर्तमान की तानाशाह कांग्रेस सरकार ने सांसद बस्तर दीपक बैज के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल के परिसर में स्थित अस्पताल का नाम परिवर्तन कर निंदनीय कृत्य किया है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और युवा मोर्चा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के जिले अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज पांचों मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय सांसद दीपक बैज का पुतला दान किया गया। डिमरापाल में जो हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज, वो हमारी सरकार की देन था, उसको जबरदस्ती नामकरण करके किया गया है। इसके विरोध में हम आज मुख्यमंत्री और सांसद जी का दोनों को पुतला दान किया। जब माँ के पेट में एक जिंदगी पल रही होती है, तब विशेष देखरेख की जरूरत होती है, ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। बालोद जिले में कई ऐसी माताएं हैं जिनके गर्भ में मासूम पल रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण गर्भवती माँ स्वयं ही देखरेख के साथ नन्ही जिंदगी की देखरेख करने में असमर्थ है। ऐसे में अगर कोई सहारा बनकर आमने सामने आए तो वह किसी भावना से कम नहीं होगा। इसी सहारे के रूप में बालोद जिले के गरीब और जरूरतमंद माताओं का सहारा जिला प्रशासन बनी हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रथम प्रतिभागी महेंद्र कुमार पिता नोरू राव। एक्चुअली कुछ जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको जच्चा बच्चा किट प्रदान किया गया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, महिला बाल विकास द्वारा। पिछले साल भी दिया था, इस वर्ष भी दिया गया है। गांव में मंत्री साहिब आए रही से तो हमारे जच्चा बच्चा किट दी से ओगर से मोल बहुत खुशी होते, और एक से जो गरीब गर्भवती महिला है वो मल्ला अपन बच्चा के पोषण करे में बहुत सहूलत हुई से। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां ग्राम पंचायत बैनपाल में आंगादेव मेले में शामिल होने के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा। इस मेले के बाद मदाड़ी मेले की तैयारी शुरू करने में ग्रामीण जुट रहे हैं, साथ ही मेले में लोग हाथों में ढोल लिए थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि इस मेले में दूर दराज के गाँवों से भी देवी देवताओं के प्रतीक वेहन चिन्ह लगाए गए हैं, जो मेला स्थल पर अलग अलग समूहों में ढोल वादन करते परिक्रमा करते रहे। ढोल बजाते पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़े उत्साह से इस नृत्य में शामिल हुई, साथ ही देव विग्रह लेकर शामिल हुए लोग गूंज रहे हैं।
हम लोग हर साल में माना जाता है इतना देर सका संधी लोग हम लोग यहाँ पर नाच गाना हम लोग का सोमवार से लेके मंगल तक बुधवार तक हम लोग को विदा लेते हैं विदा दिया जाता है हम लोग का बहुत धूमधाम से यहाँ मनाना पड़ता है हर साल में हम लोग हमारे अंगा को साल का फर्स्ट भी ऐसे मेला मंडे होने से हम भी बुलाते हैं सका लोग को और यहाँ पर फुंगर उनको के पास हम लोग उतनी देवी देवता लेके आते हैं। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं। अब एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में AIMIM प्रमुख अदुसेन ओवैसी का नाम भी शामिल हो गया है। ओवैसी ने कहा है कि यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम शामिल है जबकि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 18-19% है। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएँ तेज हो गई हैं। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने मंच पर बोलते हुए कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। ओवैसी योगी के सेकुलरिज्म के बयान पर भड़के और कहा कि भारत को मुकाम दिलाने में सेकुलरिज्म ने रोका तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है साल 2017 से 2020 के दौरान 6,475 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें मरने वालों की तादाद में 37% मुसलमान शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 18-19% ही है। आखिर यह जुल्म क्यों हो रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए 6,475 एनकाउंटर हुए जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18-19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। योगी सरकार में हुए एनकाउंटरों को सरकार ने जारी किया था जिसमें तकरीबन 150 अपराधियों के मारे जाने का आंकड़ा दिया गया था। इसके बाद ही ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाकर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।